गुड आफ्टरनून, आप लोगों को बनी की ओर से बहुत बहुत बधाई। क्या आप लोग स्वादिष्ट और ताजी कुकीज खरीदना चाहते हैं? बता दीजिए मुझे। अच्छा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए बाय, अलविदा। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून, लेडी बनी की ओर से बहुत बहुत बधाई। क्या आप लोग कुकीज खरीदना चाहते हैं? सबसे स्वादिष्ट और ताजा, एक पैक खरीदे और दूसरा उपहार के रूप में मुफ्त प्राप्त करें। हाँ डायना, तुम भूल गई, तुमने मेरे लिए चाय बनाने का वादा किया। तुम नहीं चाहते, ठीक है कोई बात नहीं, रखती हूँ मैं, बाय। कनोपा, ये कैसी बात है, कोई भी हमारी कुकीज नहीं खरीदना चाहता है। शायद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं बना पाई, अब मैं क्या करूँ? ये बिल्कुल ही गलत बात है, सच में मैं असफल रहेगी इसमें, क्या करूँ मैं? डायना, बात तुम्हारे कानों में नहीं है, बात तुम्हारे कुकीज में है। इसका साइज गलत है, तुम्हें किसी की भी बात सुननी चाहिए। और हाँ डायना, बताओ क्या हम आज स्कूल जा रहे हैं? हाँ कनोपा, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। पिछले एक हफ्ता से मैं स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन सिर्फ डायना की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। डायना, क्या तुम मुझे स्कूल जाने दोगी? प्लीज, तुम अकेले रह लो घर में, मुझे स्कूल जाना है प्लीज। और इस खरगोश के साथ खेलते रहना तुम। ओह, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, क्या करूँ मैं? ओह हाँ, मेरे पास गेम है डायना सिटी, और यहाँ आप नया आउटफिट चुन सकते हैं, साथ ही बढ़िया मेकअप और नए नाखून और नई हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकते हैं। और गेम में आपको रोमांटिक कहानियाँ भी मिलेंगी जिन्हें आप मेरे साथ जी सकते हैं, और साथ ही आप नई जान पहचान और दिलचस्प एडवेंचर भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैं अगली पार्टी में किस किस से मिली, या फिर आप मुझे ये बताइए कि शायद वो मुझे मिल गया है। हाँ, तो गेम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है ना? ठीक है डायना, तुम अपने स्कूल जाओ, मैं घर पर अकेली रहूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें आइसक्रीम के दो पैक खर्च करने होंगे। डायना, I love you. कनोपा, हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना? बनी, दाना पर नजर रखना। डायना, कुकीज के बारे में परेशान मत हो, तुम देखना वो दुनिया की सबसे बेहतर होगी। मुझे उम्मीद है कनोपा, लेकिन मुझे डिजाइन पर काम करने की जरूरत है, सच में मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। वैसे एक अच्छी खबर है, मैं आज चीयर लीडर की कोई नई वर्दी बनाने वाली हूँ, ठीक है ना? समझ आ गया तुम्हें? हाँ ठीक है, चलो तैयार होते हैं। चलो फिर। डायना, आइसक्रीम के बारे में मत भूलना। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टीचर माइक। क्या आज तो बहुत कम छात्र हैं? ओ टीचर माइक, रायन फोटो सेशन में है, उन्हें फैशनेबल और ग्लैमर्स कहा जाता है। ओ टीचर माइक, जो भी पढ़ना चाहता है वो टाइम पर स्कूल आता है। ठीक है दोस्तों, आज का विषय है गैजेट्स। हाँ टीचर माइक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, हम गैजेट्स के बारे में सब जानते हैं, ठीक है ना सोफी? हाँ टीचर माइक। ओ टीचर माइक, ये जरूरी नहीं है, कोई छुट्टी पर क्यों है, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, बताइए। लायला, तुम बस करो अब, डायना आज स्कूल आएगी। तो दोस्तों मुझे बताओ कि आप कौन से गैजेट्स का इस्तेमाल करते हो? मेरे पास नया आईफोन है टीचर माइक। शिक्षक माइक, मैं आज का आदमी नहीं हूँ, मैं सभी गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने मुझसे सिर्फ एक घंटा मांगा, ये गलत है ना, बताइए ना, एक घंटा सिर्फ क्या होता है? तुम अभी बड़े नहीं हुए हो, अभी रुको। ठीक है दोस्तों, शान, मुझे पता है कि आप सभी लोगों के पास आधुनिक आइटम हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी गूंगे फोन का इस्तेमाल किया है? क्या गूंगा फोन? नहीं, मेरी दादी भी ऐसे फोन का इस्तेमाल नहीं करती है, सच में। हाँ ठीक है स्टेला, तुम्हारे पास एक अच्छी नानी है, लेकिन हम विषय पर वापस आते हैं। गर्मी की छुट्टियां जल्द ही हैं, इसलिए कोई भी गर्मी की छुट्टियों में गैजेट्स का उपयोग नहीं करेगा, समझे? इन गैजेट्स का ये बहुत ही बकवास है। हाँ मैं बिना फोन के नहीं रह सकता सर। ओ टीचर माइक, गर्मी की छुट्टियों में सेल्फी के बारे में क्या होगा? नास्तिया, कैमरा तो है ही ना। हम खेल कूद करेंगे, आराम करेंगे, गर्मी की छुट्टियों में लंबी यात्रा करेंगे पैदल, वो भी गैजेट्स आपका ध्यान भटकाते हैं। कोष्टे, क्या तुमने सुना? शिक्षक माइक, अगर मैं या माता जी या पिताजी को फोन करना चाहता हूँ, क्या होगा? को फोन करना चाहूँ तो फिर क्या होगा? हम अपने फोन बिल्कुल नहीं लेने जा रहे। ठीक है दोस्तों, सभी फोन मुझे दोगे, और अपने माता पिता को फोन करने के लिए टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल करो। कूल टीचर माइक। मैंने कभी भी फोन बूथ से फोन नहीं किया, लेकिन ठीक है, कुछ नया। टीचर माइक बताइए ना, फोन लेकर जाना जरूरी क्यों नहीं है? हो सकता है कि अगली बार पात्रिक आप ग्रू ना करें। ठीक है दोस्तों, मैं गंभीर हूँ, नाश्ता कॉपी बुक दो जल्दी। ठीक है टीचर माइक। आज तुम मुझसे लड़ना बंद करो, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, समझ आ गया ना तुम्हें? ओ, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ना, तो ये मेरे लिए भी कुछ नहीं है। तुम मेरे बिना पार्क में चली गई थी, मैं उसे एक साल से नहीं मिली थी, समझ गए ना? तुम मुझे डेट कर रही हो, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो तुम अपने दोस्तों की परवाह नहीं करती, भले ही तुमने उसे एक साल, दो साल या दस साल से ना देखा। मैं समझ गया तुम्हें, ठीक है। हाँ मुझे भी तुम पता नहीं कैसे मिल गई। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से बहस कर रही हो? ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, समझे तुम? मैक्स जागो, मार्शमेलो आ गया। सुनो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इस स्कूल में खामखा इधर की गंध आती है? हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझे तुम? हाँ
स्माइल ऐसा क्या हो गया फिर से अपनी डायना के बारे में? सोच सोच कर ऐसे परेशान मत हो, उसने स्कूल छोड़ दिया। हम तो ऐसा नहीं मुझे कहते लगता है स्कूल में सब ठीक है। लड़कियों तुम लोग स्माइल को नहीं समझ सकते। अरे वे मुझे समझ नहीं आता इसलिए चुप रहो। स्माइल मैं समझ सकती हूँ, डायना छुट्टियों में अपने दोस्त के साथ घूम रही है और तुम यहाँ पर अकेले बिल्ली के बच्चे की तरह घूम रहे हो। लाइट ग्रीन बिल्ली के बच्चे की तरह छोड़ दिया, चलो इसे ठीक करते हैं। आज मेरे घर में एक पार्टी करते हैं, सभी को आमंत्रित किया जाता है। अरे वे ब्लॉन्डी ग्रीन लाइट आइस। ए स्माइल ऐसा मत करो, डायना सब जान जाएगी, ऐसा मत करो। पार्टी, हाँ पार्टी, हाँ मैं आऊंगा स्माइल, मुझे बिल्ली के बच्चे की तरह छोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मेरे घर में सब लोग आज रात 8 बजे आ जाना, ड्रेस कोड उज्जवल और सफेद होना स्माइल, चाहिए। रुको, क्या मतलब है? रुको, यदि तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ। स्माइल तुम्हें पता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छी दोस्त है और मैं पार्टी में जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें मिलवा दूंगी उससे, ठीक है? एक दोस्त, मेरे सभी दोस्त बहुत ही खूबसूरत है। हाँ ठीक है लाइट ग्रीन, अपने दोस्त को बुला लो। ए, ग्रीन जाके बैठ जाओ। मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगी। मैक्स, स्माइल ये गलत है, ऐसा मत करो, डायना आने वाली है और हम पार्टी में जाने वाले हैं, ऐसा मत करो तुम। मैक्स सुनो, मैं तुम्हें समझ नहीं सकता, डायना नोपा के साथ छुट्टी पर चली गई और मुझे नहीं ले गई, मुझे नोपा के बजाय होना चाहिए था, इसलिए मैं अपने घर में पार्टी कर रहा हूँ। देख लो, सोच लो अब तुम्हें क्या करना है। इसके तुम सच में स्माइल के घर पार्टी में जा रहे हो मेरे बिना? तुम जब मेरे बिना पार्क जा रही हो तो मैं क्यों ना जाऊँ? ठीक है आइस, ठीक है, ठीक है पिज्जा, ठीक है। क्नोपा क्या तुम्हें पता है कि हमारे बॉयफ्रेंड हमें कैसे याद करते हैं? मुझे तिमूर से मिलने में भी अजीब लगता है, हम इतने दिनों से अलग हैं और अब इतने दिनों के बाद बहुत अजीब। सब कुछ ठीक हो जाएगा क्नोपा, जब तुम हमें साथ में देखोगी ठीक है, तुम खुशी से चीख जाओगी। पर वो जरूर चाहता होगा कि मैं उसे किस करूं, पर क्नोपा मुझे थोड़ी शर्म आती है। तिमूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सब ठीक हो जाएगा और मुझे लगता है कि सब कुछ स्माइल की याद आती है और वो मुझे याद करता होगा। सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ चलो चलो, सच में सही कहा। हाँ ओ नहीं, तुम कहाँ थी? ओ तो क्या हुआ बताओ मुझे। हाँ कितनी अच्छी ड्रेस है, बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें पता है ये हमारी नई ड्रेस है, सच में देखो। ओ वाव, ये कितनी अच्छी खबर है। हाँ सच में। क्नोपा हाय। हाय तिमूर, कैसा चल रहा है? क्नोपा उसके पास जाओ, तुम जाओ। ठीक है लेकिन छुट्टी कैसी है? मुझे लगता है अच्छा, थोड़ा पार्टी करना तुम्हें ठीक लगेगा ना? वाओ डायना, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। लड़कियों मेरे पास में बताने के लिए बहुत सारा कुछ है, सच कह रही हूँ मैं। हाय डीमा, शुक्रिया। हाँ मैं छुट्टी पर थी और मैंने ना बेकिंग का काम किया, तो लड़कियों तुम लोग कितने हैंडसम हैंडसम लड़की से मिली, मैं पता है तुम्हें सच में बहुत ज्यादा हैंडसम, सच में। डीमा लड़कियों की बातें सुनना अच्छा नहीं है। लड़कियों लड़कियों, स्माइल कहाँ है बताओ ना, शायद कैफे में है वो। लेकिन डायना क्या तुम जानती हो, वो इन दिनों थोड़ा पागल सा बिहेव कर रहा है, शायद तुम्हारी याद आ रही होगी उसे। लड़कियों चलो कैफे चलते हैं, वहाँ पर बर्फ से भी मिलते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ चलो चलो। ओ डायना, क्नोपा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ कैफे के अंदर। गुड आफ्टरनून टीचर माइक, हमने आपको मिस किया। लड़कियों मैंने तुम्हें याद किया, लेकिन तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी कि तुम छुट्टी पर जा रही हो? हाँ हम समझ सकते हैं टीचर माइक, लेकिन सब कुछ बहुत ही जल्दी में हो गया, सच कह रही हूँ मैं। हाँ आवेग पर, हमें नहीं पता था कि हम कहीं चले जाएंगे, वो भी सही समय पे, लेकिन हम अगली बार आपको जरूर बताएंगे, सच कह रही हूँ मैं। हाँ वादा, माफ कर दीजिए टीचर माइक, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे आशा है कि लड़कियाँ गर्मियों की छुट्टियों में मेरे साथ नहीं आएंगी। सच में कौन? स्माइल लड़कियाँ आ गई हैं, मैंने अभी भी देखा, डायना और क्नोपा गलियारे में थी, वो टीचर माइक से बात कर रही थी। और टीचर माइक हमसे ऐसा नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं आपसे, ठीक है ना? मैं तुम्हारे वादा को जानता हूँ। ओहो मुझे परवाह नहीं है। स्माइल आराम से जरा, मुझे परवाह नहीं है। स्माइल हाय स्माइल, कैसे हो तुम? स्माइल क्या तुमने उड़ान भरी, इसलिए छुट्टी पर अधिक उड़ान भरी? तुम्हारा क्या मतलब है स्माइल, बताओ जरा मुझे। हाँ क्या हुआ है तुम्हें? हाँ बताओ। लड़कियों मुझे खबर के बारे में बताओ ना। नो पा, किसके बारे में? क्या बाद में, तो बताओ लड़कियों। ऐसा लगता है स्माइल डायना से नाराज है। सही में? हाँ। ओहो ये क्या हो गया, डायना को स्माइल को साथ लेके जाना चाहिए था ना। मैक्स तिमूर को क्या हुआ और स्माइल तुम्हें क्या हुआ है? स्माइल ने सोचा जब तक तुम पोस्ट नहीं करोगी वो तुमसे बात नहीं करेगा अच्छे से। नोपा भी पार्टी कर रही थी मुझे लगता है। ओ स्माइल ठीक है, ये सिर्फ एक छुट्टी थी, ठीक है ना, हम पार्टी नहीं कर रहे थे। मैं पार्टी नहीं कर रहा था लेकिन अब करूंगा जरूर। हाँ ठीक है स्माइल, तुम शांत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये देखो क्या है, ये कितना अच्छा है। नहीं स्माइल इसमें कोई मजाक करने वाली बात कान? नहीं है। कान डायना तुम उसे मजाक कर रही हो? नहीं स्माइल इसमें मजाक करने वाली कोई बात नहीं है, वास्तव में मैं एक लेडी डायना हूँ और मैंने फैसला किया कि तुम मेरे अच्छे बॉयफ्रेंड हो, तो तुम्हारे पे ये कैसा लगेगा? हाँ लगता है कोई पार्टी है यहाँ पर, समय से। हाँ सही कह रहे मैंने। हाँ
डायना को स्माइल के साथ में समस्या जी माँ, तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। दरअसल हम स्कूल में पढ़ रहे और यहाँ जो हो रहा है वो सब से जुड़े हैं। स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है किनारे पर नहीं रहना चाहिए। मैं नूपा और डायना को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि शायद हम भी छुट्टी मनाने के लिए जाएंगे। अच्छा लगे ना? हाँ, हम जाएंगे। क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो हमें एक साथ जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए भुगतान करने वाली हूँ। हाँ जी, तुम्हें पे करना चाहिए, तुम कैप्टन हो, समझ गई ना तुम्हारा? हाँ सही में। तो फिर सपने देखते रहो तुम सब। हाँ हम समझते हैं, ठीक है ना, समझते हैं हम। लेकिन हमें लाटे चाहिए। हाँ, जल्दी बनाओ। आइस, क्या तुमने सुना? ये लोग लाटे के लिए खड़े हैं यहाँ पर। पिज्जा, क्या तुमने सुना नहीं? लाटे बनाओ। वो तुम बनाते हो। तुम बनाओ। मैं नहीं करूँगी। इतना समझ गए ना? लाटे चाहिए हमें, लाटे चाहिए। या हम टीचर माइक से कहेंगे कि तुम हमारा ऑर्डर नहीं लेना चाहते हो। दो लाटे। हाँ मैं करूँगी। नहीं, पिज्जा मैं करूँगा। हाँ मैं करूँगी। पिज्जा, क्या तुम दिखावा कर रहे हो? दिखावा कर रहे हो? ये लोग कैसे काम कर रहे हैं? हाँ? क्या हो रहा है? तुम ऐसे बहस नहीं कर सकते। और हमारे लिए जल्दी लाटे बनाओ। स्माइल, तुम ऐसे करना बंद करो। हम लोग छुट्टियों पर गए थे और मैं वादा करती हूँ कि अगले बार हम लोग साथ में जाएंगे। समझ गए ना तुम? हाँ, really? हाँ सच में। स्कॉलर्स, बेबी आ गई, आज पार्टी नहीं है। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, ये हुई ना बात। ये पहले ही मिल गया है। जी मां, हम लोग घर पे पार्टी करेंगे। हाँ सच में। लॉर्ड ग्रीन, आपके घर पर पार्टी करते हैं? हमने अभी तक आपके घर पार्टी नहीं की। मेरे घर पर नहीं हो सकता है, मेरे घर पे सफाई कौन करेगा बताओ मुझे? वहाँ जो पार्टियाँ कर रहा हो। तुम्हें पता है याना, मैं डायना और नूपा से थक गई हूँ। हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो लोग छुट्टियों पर जाते हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं गर्मियों में उन पर झपट्टा मारूंगी और उन्हें अपनी ड्यूटी पर रखूंगी, अपने घर के बर्तन धुलवाऊंगी। लाइला, ये अच्छा आइडिया है। हाँ और उनसे सारा दिन सारा काम करवाऊंगी। हाँ रोज। दोस्तों मैंने सुना है डायना और कनोपा बात कर रही है और वो भी बाथरूम में। तुम्हें पता है क्या क्या बात कर रही है? जरा बताना मुझे प्रवास की। हाँ बताओ मुझे। 10 मिनट 20 मिनट, अभी ऐसा थोड़ी होता है। डायना और कनोपा को बताना होगा। ध्यान से सुनो प्रवास की, अगर डायना और नूपा को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो पूरी छुट्टियों में यहाँ पर बैठ के सफाई करोगे, ऐसा लगता है मुझे। हाँ समझ गया, अब जाओ। थैंक यू लड़कियों। ओ लाइला, वो सब कुछ करेगा। हाँ याना, ये कुछ नहीं करने वाला, वो हमारे कमरों को साफ नहीं करना चाहेगा। हाँ मैं उसे दिखा दूंगी, ठीक है ना? हाँ लड़कियों, तो मैं समझती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन प्लीज तुम लोग याद रखो कि ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए। ट्रेनिंग में कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, समझ आ गया तुम्हें? हाँ हाँ, मैं पहले ही से देख सकती हूँ। तो चलो अपना अपना ड्रेस पहन लो तुम लोग। हाँ ठीक है ना? हाँ चलो जल्दी। ये वाला ड्रेस तुम लोगों का है? ये क्या है? हमारी चीयर लीडर सबसे खूबसूरत होंगी। हाँ कृपा, मुझे आशा है कि हम लोग इसमें और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना? हाँ सही कहा ना मैंने? मिस नास्ता, मुझे आशा है कि तुम ट्रेनिंग अच्छे से करोगी, अब समझ आ गया? मिस मैरी, हाँ सच में तुम देखना मैं कितनी मजबूत बनूंगी। और हाँ हाँ सच में मैं सीरियसली बोल रही हूँ। हाँ तो लड़कियों चलो जाकर ट्रेनिंग करो और इसको चेंज कर कर आओ। हाँ प्रॉक्स, लड़कियों कुछ हुआ? ओ टीचर माइक। हाँ लड़कियों प्रॉक्स, कोई समस्या है? टीचर माइक कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। टीचर माइक, कोई रिस्पेक्ट है? हाँ लड़कियों, समस्या क्या है बताओ जल्दी। और हमें लगता है कि सिर्फ बनी चीयरलीडर्स को ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। लड़कियों तुमने इसे कहाँ से लिया है? हम इसे कहाँ ले गए टीचर माइक? बनी चीयरलीडर्स के पास नई ड्रेस है। ड्रेस करेंगे और डोप की तरह चलेंगे। हमें भी नई ड्रेस चाहिए। हाँ क्या हम मरने तक इसे पहनने वाले हैं? बताइए टीचर माइक। लड़कियों मैंने तुम्हारी बात सुनी है, लेकिन ये मेरे लिए मेरी वर्दी के बारे में नहीं है। और किसी टीचर माइक? हाँ बताइए। ठीक है लड़कियों, मेरे लिए नहीं बल्कि डायना के लिए, वो सभी चीयरलीडर्स के लिए वर्दी व्यवसाय में है। क्या वो टीचर माइक, क्या आपको सच में लगता है कि डायना ने हमारे लिए कॉस्ट्यूम बनाई है? चलो डायना के पास जाते हैं और उसकी ड्रेस फाड़ देते हैं। क्या है, सही कहा ना मैंने? चलो चलते हैं हम लोग। चलो चलते हैं। लड़कियों अगर तुम डायना के साथ इसे हल नहीं करोगी तो हेडमास्टर के पास। बनी सबसे बेहतर है, बनी सबसे अच्छी है, बनी ही जीतेंगी, बनी सबसे अच्छी है। बनी, बनी सबसे अच्छी है, बनी सबसे बढ़िया है, बनी ही जीतेंगी। लड़कियों हम डायना से नया कॉस्ट्यूम मांगने वाले हैं, ठीक है? हाँ हम मांग करेंगे। जाबलू, बनी सबसे अच्छी है, बनी सबसे बढ़िया है, बनी हमारे पास आओ। मुझे पता है तुम लोग किस बारे में बात करने के लिए आई हो यहाँ पर। यूनिफॉर्म के संबंध में। बहुत अच्छा, तुम नई वर्दी में आई हो। हाँ
फ्रॉक्स हमारी समस्या यही है, समझ आ गया ना तुम्हें? फ्रॉक्स ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास नई वर्दी है क्योंकि हम सबसे अच्छे चीयरलीडर्स हैं। हाँ, और तुम फ्रॉक्स हम चाहते हैं कि सबको एक साथ यूनिफॉर्म मिलना चाहिए, ताकि कल हमें नई यूनिफॉर्म मिल जाए, या हम तुम्हारा ले लेंगे, समझ आ गया तुम लोगों को? हाँ बताओ, तुम लोग सच में बहुत ही बेवकूफ हो, हमें न्यू वर्दी चाहिए क्योंकि हम लोग अच्छे चीयरलीडर्स हैं, तुम्हें भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए, समझ आ गया तुम्हें? हाँ बिल्कुल नहीं करती हो तुम लोग, तो क्या तो हमें वर्दी मिलेगी या नहीं? ओके फ्रॉक्स, अगर तुम्हें नई वर्दी चाहिए तो ठीक है मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा, समझ आ गया तुम्हें? कोई नहीं। तो क्या हम उन्हें नए कॉस्ट्यूम के लिए ऐसा वादा देंगे? हम देंगे, प्रॉमिस देते हैं। हम जानते हैं फ्रॉक्स कि तुम लोग बुरे नहीं हो, लेकिन हाँ ये वर्दी उसी को मिलेगी जो अच्छे काम करते हैं, ठीक है ना? तुम लोगों को खुद को चेंज करना होगा। डायना क्या तुमने सच में उनके यूनिफॉर्म के लिए ऑर्डर किया? रूपा मैंने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है ना? उनके पास भी अच्छी और खूबसूरत ड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास है तो उनके पास भी होनी चाहिए। चलो ट्रेनिंग करो। बनी सबसे अच्छी है, बनी सबसे बढ़िया है, बनी सबसे शानदार है। हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। हे भगवान, फ्रॉक्स की नई यूनिफॉर्म आ गई, मुझे इसे लिखना होगा। हे ग्रीन, क्या हुआ? विद्रोही नहीं, फ्रॉक्स का न्यू ड्रेस है। हाँ, फिर से जलने वाला। बनी सबसे जीतेंगे। यस। चलो तो आज की ट्रेनिंग हमारी बहुत ही अच्छी हो गई, अब हम लोग घर पे जाकर पार्टी करेंगे, ठीक है ना? हाँ सही कहा ना मैंने? हाँ पार्टी? हाँ तो स्माइल, क्या तुम पार्टी करना चाहते हो आज? हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बहुत बढ़िया, तो हमने आज बनी की ड्रेस पहनी है और ये है तुम्हारा गिफ्ट, ठीक है ना, मेरी तरफ से। क्या लगातार? हाँ स्माइल, हमेशा के लिए। क्या जिम फ्री है? फ्रॉक्स ट्रेनिंग करने के लिए आ गई है। फ्रॉक्स बहुत बढ़िया, तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकती हो। रैट्स, उन्हें नया कॉस्ट्यूम नहीं देना चाहिए था। क्रोपा, अगर ये लोग बदतमीजी करेंगी तो मैं इनकी ड्रेस ले लूंगी। तो फ्रॉक्स जितना हो सके उतनी बेहतरीन ट्रेनिंग करते रहो तुम लोग, ठीक है ना? हाँ मैं जा रही हूँ। मेनक सबसे बढ़िया है, फ्रॉक्स सबसे बढ़िया है, फ्रॉक्स सबसे अच्छी है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और नए शानदार वीडियोस का इंतजार करें, और जल्द मिलते हैं आप सभी लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय। स्माइल, तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें डायना के बारे में कोई जानकारी मिली? नहीं मिली हो? हाँ मैं बताता हूँ। अरे क्या यार, हाँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था ना कि एक बिल्कुल ही सॉरी ये लाइन नहीं है। नहीं तुम्हें पता है ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, है ना? तुम्हें ये चीज सॉरी टीचर माइक, मेरी माँ ने